हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाला। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा था, उसके अंदर हमने भाई फिश रूम के बारे में बताया था, टैंक देखा था, तो वो सारी चीजें करेंगे। अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो टंकी का क्या हाल हुआ था मैं बताता हूँ। वो टंकी का ये हाल हुआ कि उसके बाद हमने चेक करा कि क्या हुआ है टंकी पे, पानी पूरी सही है नहीं है, तो आप क्लिप देख लो। हाँ भाई, हमारी इसकी अपडेट ये है कि हमारी टंकी में क्रैक है। पापा दिखाना एक बार, ये ना, ये। और ना इसमें हमने पानी पूरी डाल के देखा तो रुक नहीं रहा पानी। दिखाते हैं आपको एक मिनट पापा, ये जो इकट्ठा हो रहा है पानी, यही गिरा के दिखाना इस साइड। अरे ये रहा सारा, ये देखो ये सारा, ये लीकेज हो रही है इसमें बहुत ज्यादा। टंकी का तो हाल आपने देख लिया क्या हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इनको हटाएंगे, इनको इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे इन दोनों को करते हैं कुछ जुगाड़े। इसको तो बाहर रख सकते हैं पीछे, उसका देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ पौधे वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, ये वाले स्टैंड, इनको एक को तो यूं लगा देंगे और एक को यूं लगा देंगे। तो अब हमने कुछ आइडिया निकाल रहे हैं, हम एक काम करते हैं, आओ अंदर। ये देखो, ये सफाई कर दी, हटा दिया सब चीज, ये पत्थर हटा दूंगा मैं। ये यहाँ रैक लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया है, और ये रैक यहाँ पे है। यहाँ पे ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो जगह है, इस पे एक बार साफ कर देंगे। पहले हम इसको पेंट करेंगे। हाँ, ये हम पेंट करेंगे या जो भी करेंगे वो आप बताओ एक बार। बाकी मानू के दिमाग में अभी तक पेंट है, बाकी मेरे मैं यूं सोच रहा हूँ कि हैंगिंग वो लगा देते हैं। लेकिन उसको हम व्हाइट करके हैंगिंग प्लांट्स लगाएंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, ये बात भी है। तो जैसे कि और हमारे पास पेंट पड़ा है। हाँ, और रोलर भी पड़ा है, तो वो चीजें करते हैं हम। ये व्हाइट सही लग रहा है, मेरे को भी व्हाइट लगा के फिर हैंगिंग प्लांट्स लगाएंगे तो वो ज्यादा सही लगेगा। अभी इस जगह पे हम अपने अच्छे अच्छे, मैं सोच रहा हूँ पॉट्स लगा देते हैं। जैसे हमारे पे ग्लास के पॉट्स है, उसमें हमने मनी प्लांट लगाए थे, तो कुछ शुरुआत तो करते हैं, है ना। और यहाँ पे यूं सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना एक काम करेंगे कि पॉट्स जैसे गमले है ना, उनमें ही रखेंगे कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे ना एक्वेरियम रखने का तो कोई फायदा नहीं है। जैसे वो टंकी थी ना, वैसे कोई और कंटेनर हो या फिर टब्स हो, तो वो सोच रहा हूँ। और यहाँ बीच में एक बड़ा टब हो जाएगा। तो बाकी आप बताओ सजेशन, मेरे दिमाग में तो अभी तक यही आया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो गमले रखते हैं, स्किट मारते हैं ऐसे। ये क्या गेम ढूंढा थोर तूने? पूरा तकड़ा गेम ढूंढ दिया थोर, ले जा इसको वहां तक। अच्छा अच्छा, आ रुक जा, अच्छा रुक जा, अच्छा ये ले। इसका मुंह देखिए, मुंह दिखा, इसका मुंह दिखा, मिट्टी से भरपूर मुंह। ये क्या गेम क्या है, ये कीड़ी मार रहे है ये। चलो भाई, ये शुरुआत हो गई हमारे पोर्ट की, अभी और भी आ रही है, तो इनको जचाना शुरू करते हैं। ये स्टार्टिंग है, मानुडोन भी आ रही है। हाँ बढ़िया, देख ये ले, ये अभी से ही सुंदर लगने लग गया। अरे वाह भाई वाह, मानुडोन पकड़ कंधों पे बोझ बहुत है मानो। तरीके से पकड़ ले भाई, ये गेट भी सका है। रुक जा, रुक जा, उसको हटा, हटा ना, इसको कून में, इसको रख उधर जा, ये रख, इसको रख उस, वाह एक जो पटक के बना ही। तो शुरुआत हो रही है भाई गाइस, कमर में गुदगुदी हो रही थी। बाकी जिसको मैं तो कह रहा हूँ कि भाई और ले आओ सारे, जितने भी है ना सारे ले आओ, अच्छे लग रहे हैं। जिसका बॉटल का प्रमोशन कराना, बॉटल भेज सकते हैं। हाँ हाँ गाइस, हाँ करके भेजते रहो, तुम जाओ और लेके आओ, साफ करके भेजना। तो यार शुरुआत अच्छी है, देखो कितने सुंदर लगने लग रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी इसको यहाँ रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा वहां से टूटा हुआ है ना, और ऐसे ही सेम चीजें हम यहाँ रखेंगे भाई। ज्यादा प्लांट्स रखेंगे इसमें और फिश रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब कि मैं यू सोच रहा हूँ कि अच्छा लगना चाहिए और पौधे ना ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिश तो रहेगा, फिश रूम है तो फिश तो ऑब्वियसली बात है, तो बट पौधों से ना जो ग्रीनरी आती है ना, उससे दिल खुश सा हो जाता है। आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ भाई होता है, तो हमारे योद्धा आ चुके हैं और वाइन ग्लास ये दिखाओ भाई, ये तो सबसे बेस्ट सुंदर लगता है ये देखो। और रुक जा मैं रख देता हूँ, थोड़ा पानी गिर रहा है इसमें से। मेरी ब्लेंडर फ्लाइट से मेरा मतलब था बोतल।
बोतल टिक गई तो अब तो सारी आ जाएंगी। एक काम कर मानो इस बोतल को उधर रख, कितना सुंदर लग रहा है मानो ये। ओ भाई सब टिक जाएगा भाई, पत्ते गिर के ले गया मानो उठा के, पत्ते उठा लिया। और ये पहले से सेट है, मतलब इसमें प्लांट्स तो सही। जड़े देखो भाई कितनी है, जड़े देख लो पूरी ग्रोथ है ये। तो भाई बताना कैसे लग रहे हैं पौधे वगैरह। अब इससे अगला स्टेप होगा कि हम बकेट ये टब वगैरह ऑर्डर करूं या कुछ और जो भी पॉट्स वगैरह होंगे प्लास्टिक के, है ना, वो मुझे आइडिया दो कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ, वो ऑर्डर करता हूँ। उसके बाद यहाँ ये जो रैक्स है ना, इन रैक्स पे सेट करेंगे, इन रैक्स पे वो भी रहने दे है। और ये देख कितने सही हो गए, एक मिनट दिखा दो, एक बार वापस दिखा दो कैसा लग रहा आदित्य, सुंदर लग रहा है ना। थोरू भी पूरा घूम रहा है अंदर, तो ये बढ़िया सा बन जाएगा, एक छोटी सी स्पेस, बहुत सुंदर। थोर भैया ने मुंह छिलवा लिया। हाँ थोर ने खिला खेल खेल, ओए फिर मुंह छिल जाएगा, छोड़ छोड़ देखना, छोड़ देख, इसने यहाँ से मुंह छिलवा लिया था। अब तो साफ हो गया, हाँ मुंह साफ कर इसका। ये क्या कर रही है पापा थोर, और ये इसकी बहन, ये भाई बहन खाना खा रहे हैं। अभी अभी वहां पे थी, वहां से जंप मारा इसने, हेला तू मत खा, अंडा उठा लिया मम्मी हेला ने, मम्मी अंडा उठा के ले। एक और चोर है इस घर में, ये रहा। इसके अगर मैं तीन अंडे वाड़ूंगी तो आधा खा जाएगी, चार वाड़ूंगी तो आधा खा जाएगी। या चोर एक या चोर कट्ठे, दोनों पे बे एक जैसी है भाई। इसने मानू आज उठा खा लिया, अपने घर में आते फिर मानू की तरह दोनों चोर है। कितनी बड़ी बात है, थोर ने अपने खाने में से इसको खाने दे दिया। खाता खाता खाता, अगर खाना लग गया ना खाना तो पापा कहेंगे थोरी बेटा तूने हेलो नहीं करी, खाना छोड़ के पहले पापा के साथ हेलो करता है। ये अब मानो ना मानो मेरी ट्रेनिंग की वजह से हुआ, जो मैं हाथ डालता था ना शुरू में, जो लोग मुझे पहले से भाई फॉलो कर रहे हैं तो उसमें देखा होगा आपने, जब मैं थोर शुरू में लाया था तो मैंने इसको ट्रेनिंग दी थी कि भाई खाना खिलाते समय इसके खाने में हाथ मारते रहो कि इसको यूं लगे कि नहीं नॉर्मल बात है ये। अरे हमारे वो विक्रम आता दूध देने के लिए, विक्रम नाम है उसका लड़की का, उसके पास भी पहले शायद रॉटवाइलर था। वो बोले अंकल जी मैं तो इसको देख के अचंभित हो जाऊं कि जो मेरा था वो तो ऐसा था खतरनाक कि हमें मतलब इतना जोर था उसको खींच के ले जा कर रहा हमारे, लेकिन ये तो इतना शरीफ है इसको जानता हूँ। विक्रम भाई आते हैं ना शाम को ऐसे बोल देते हैं, बात करता है ऐसे बोलता है सुबह भी तो थोड़े से सुबह तो जालिमों को बोल लगा, शाम को तो गेट पे होता है ये, तो इसके साथ बात करके इसके पास से निकल के आता जब ऊपर दूध देना अब तो हद से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। मैं बोल रही थी थोर थैला चाहिए, बैठ हो गया बेटा, खा गई अंडा मानू, ये महारानी तब से इसमें ही सो रही है क्या हेला, ये माच रही है इसको मिल गया, जैसे नए खिलौने मिल जाते हैं सभी माचते हैं इसको। मैं जस्ट अभी ऊपर से नीचे आया, दोपहर का टाइम है भाई, पापा और सारे सो रहे थे और मैंने देखा ये हेला यहाँ ही सो रही है। पुछकी, पुछकी, पुछकी। देख रहे कितने प्यार से खेल रहे दोनों हेला। ये रोज रात ऐसे खेलते हैं, आज दिन में भी खेलते हैं, इनकी दोस्ती शुरू हो चुकी है। दिख 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 दिख। तो डर थी कि इतनी चीजें तो दिवस के बाल भी उड़ रहे तो हेला के हेला 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 चल 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 भाग क्यों नहीं बेटी, अच्छा अच्छा ले ले मैं निकालो, अच्छा नहीं निकलना देख देख। चलो अंधेरा होने से पहले आपको हमारी मछलियाँ भी दिखा देता हूँ और इनको खाना भी देना था।
देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये पानी थोड़ा मैंने कम इसलिए कर रखा है क्योंकि ना कल वाटर चेंज करा था ना, तो कहीं इनको सेट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कहीं जम ना करने की कोशिश करे, इसलिए मैंने कम कर दिया था। पर अब थोड़े दिन में सेट कर दूंगा, तो एक बाकी इनको ऊपर भी शिफ्ट करना ही है। देखो कितने प्यार ही है। अब आ जाएंगी बाहर सारा खाना खाने। देखो प्यारी प्यारी मछलियाँ छोटी छोटी, देखना क्या कर रही है, इसकी पूंछ पे गुड़का बांट रही है, थोड़ी भी पीछे तो खारिश कर रही है। देखना क्या कर रही है, थोर मांगो और हेला तीनों खेल रहे हैं। देखना इसको, देखो भाईचारा पूरा हो गया ना, शुभुर लाठी का के आई हेला देख ली। देखना देख, इसने अपना एक घर बना लिया। ऐसे है सैंडविच अच्छे है, मैंने तो अभी खाया है, ट्राई करा है। पापा का खीरा चल रहा है अभी। थोर हेला सफाई अभियान पे जा रही है, जनित में जा रही। मम्मी भैया हमारे पापा दगेबाज निकल जाते हैं कभी कभी, सैंडविच खाने से मना कर दिया, अब मम्मी पापा की रोटी बना रही है। मम्मी क्या कहना चाहोगे? कह दिया तो गलत है, रोटी बना रही पापा की। तो बस आज व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना भाई, अच्छा लगा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आज हमने अपना ऑफिस रूम भी थोड़ा सेटअप करा और चीजें जो करी वो आपको दिखाई है, हेला और थोर की, तो अच्छा लगा होगा। हाँ बढ़िया लगा होगा। चलो बाय बाय, इसी के साथ एंडिंग करते हैं। बाय 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 मम्मी, बाय मानो, बाय बाय।